हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे के टॉपिक्स के बारे में, किस तरह से आपको सिलेक्शन करना है, किस तरह से आपको पॉइंट्स एलैबोरेट करना है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या चीज़ में नंबर मिलेंगे, क्या चीज़ में नंबर नहीं कटेंगे विद रिगार्ड्स टू कॉम्पोजिशन या ऐसे। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा डायरेक्टेड राइटिंग से रिलेटेड कुछ डाउट्स और क्लैरिफिकेशन जो आपके हैं। और दोस्तों, ग्रामर की जो वर्कशीट मैंने शेयर की थी उसके आंसर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे रहा हूँ, तो आप उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल थे, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में जैसे मैंने बताया कि अभी पहले ऐसे के बारे में डिस्कस करूँगा, फिर डायरेक्टेड राइटिंग से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन वन के बारे में मालूम है ऑलरेडी कि आपको 6 टॉपिक्स दिए रहते हैं कॉम्पोजिशन के, उसमें से कोई एक को आपको सेलेक्ट करना होता है। वो जो 6 टॉपिक्स होते हैं उनके टाइप्स जो है वो नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव, आर्गुमेंटेटिव, डिस्कशन टॉपिक्स और शॉर्ट स्टोरी होता है। ना आपको 400 से 450 वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो ध्यान रहे इसको एक्सीड आप ना करें। ना दोस्तों, काउंसिल ने अपने स्कोप में मेंशन कर दिया है कि किस तरह से किस बेसिस पे मार्किंग दी जाएगी आपके कॉम्पोजिशन में। ना याद रखें, इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और अगर आपने इसमें मार्क्स स्कोर कर लिया तो आपको इंग्लिश में 90 अबव आसानी से मिल सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए तो किन क्राइटेरियों पे काउंसिल मार्क्स देता है आपके कॉम्पोजिशन में, तो सबसे पहला जो होता है वो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज होता है, जो यानी आपने किस तरह का लैंग्वेज यूज़ किया वहाँ पर। इंग्लिश लैंग्वेज जो यूज़ किया है, कितने पॉलिश्ड वे में यूज़ किया है वहाँ पर आपने। उसके बाद आपकी वोकेबुलरी की रेंज कितना थी और कितने सही यूज़ किया आपने उस वोकेबुलरी को। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनकी वोकेबुलरी बहुत होती है बट सारे वर्ड्स को वहाँ पे लिख देते हैं जिनका कनेक्शन होता हो ना होता हो कॉम्पोजिशन के साथ, तो आपकी वोकेबुलरी यूसेज जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और वास्ट होनी चाहिए थोड़ी। उसके बाद सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने किस तरह से की है, प्रॉपर पंक्चुएशंस का यूज़ किया है कि नहीं, प्रॉपर स्पेलिंग आपने लिखा है कि नहीं, सिंटैक्स करेक्ट है कि नहीं, आपके ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन सही है कि नहीं, इन सब में मार्किंग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये भी देखा जाता है कि आपकी कॉम्पोजिशन में जो कंटेंट आपने लिखा है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में है, कितना कनेक्टेड वे में है एज अ होल, यानी इंडिविजुअल पैराग्राफ्स जो आप लिखे हो कितने कनेक्टेड फॉर्म में आपने लिखा है, कितने कंपोज्ड फॉर्म में लिखा है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है मार्किंग देते वक्त कॉम्पोजिशन में। ना दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे कुछ टिप्स और सजेशन शेयर करने वाला हूँ विद रिगार्ड्स टू ऐसे आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात की जाए तो किस तरह से हम लोग स्टार्ट करें कॉम्पोजिशन को, तो आप दोस्तों क्वेश्चन जो है वो रीडिंग टाइम में आप पढ़ करके डिसाइड कर लें कि 6 में से कौन सा टॉपिक आपको बेस्ट सूटेड है। तो आप अपना टॉपिक्स बेहतरीन तरीके से चूज़ कर लें, वो टॉपिक चूज़ करें जिससे आप फेमिलियर हैं या जिसके बारे में आपको थोड़ा बेटर मालूम है कम्पेयर टू बाकी जो गिवन है। दोस्तों, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे बेस्ट वे होता है कि आप रफ़ में वो टॉपिक को लिख दें सेंटर में, उसके बाद एक सर्कल इस तरह से बनाएं, और उसके बाद आप ब्रांच आउट कर करके कुछ सब टॉपिक्स वहाँ पर लिखें, कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स वहाँ पर लिखें जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहे हैं। दोस्तों, ये ब्रांच आउट करके जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे थे आपने सब जॉट डाउन कर लिया, उसके बाद आप फर्दर उन आइडियाज़ के बारे में सोचिए और कुछ सब पॉइंट्स लिखें उन आइडियाज़ के बारे में। उसके बाद दोस्तों, आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 15 पॉइंट आप वहाँ पे लिख दें इन ऑल। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों कि ऑर्गेनाइज करना होगा इन सारे पॉइंट्स को। ना आपके दिमाग में आइडिया हैपजर रैंडम मैनर में आए थे, अब क्योंकि आपके पास सारा पॉइंट्स लिस्टेड डाउन है जिसके ऊपर आप वर्क करने वाले हैं कॉम्पोजिशन पे, तो आप क्या करें कि आप इसको ऑर्गेनाइज करें, आप मार्किंग कर दें, नंबरिंग कर दें कि हाँ, इसको हमें पहले करना है, इस पॉइंट को हमें सेकेंड में डिस्कस करना है, इस पॉइंट को हमें थर्ड में डिस्कस करना है, इस तरह से मार्किंग कर लें। ना दोस्तों, अब जब आप इसको लिखना चालू करें तो याद रखें कि सारे पॉइंट्स को आप कवर करें जो वहाँ पे आपने मेंशन किया है, ताकि एक कनेक्टेड फॉर्म में बेटर ऐसे बन सके। दोस्तों, हर ऐसे हर कॉम्पोजिशन की जान होती है उसके इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन, तो आप बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए पॉइंट्स को डिसाइड कर लें और उसके बाद इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखें। उसके बाद दोस्तों, आप अंत में अपने ऐसे को रिवाइज़ करने के लिए भी 5 मिनट टाइम दें। तो दोस्तों, अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर कॉम्पोजिशन की जान होती है उसकी इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन, तो किस तरह से हम लोग कंक्लूजन या इंट्रोडक्शंस लिखें, तो क्या बेटर वे है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखने का, मैं यहाँ पे कुछ सजेशंस दे सकता हूँ। सबसे पहली सजेशन ये होगी कि आप बेटर है कि आप अपना इंट्रोडक्शन बिगिन करें या अपना कंक्लूजन में एंड करें अपने कॉम्पोजिशन को किसी कोटेशन के साथ जो अप्रोप्रिएट है उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लिख रहे हैं। सबसे बेस्ट वे दोस्तों यही होता है।
तो आपको कुछ कोटेशंस जो है वो याद रखनी होगी. आप बहुत सारे कोटेशंस के बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन पीडीएफ्स भी अवेलेबल है. आप कुछ कोटेशंस जो जनरल है उनको याद कर लीजिए, बेटर होगा आपके कॉम्पोजिशन के लिए. दोस्तों आप एक और तरीके से स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि आप स्टार्ट करते समय कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, उसके आंसर्स को डिस्क्राइब, फिर आप उसके आंसर देते हुए कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन की शुरुआत करें. उसी तरह दोस्तों अंत करते वक्त भी आप एक क्वेश्चन पे एंड कर सकते हैं ताकि सोचने पे मजबूर कर दे जो एग्जामिनर है, जो आपके कॉम्पोजिशन को रीड कर रहा है. तो एक अच्छा इफ़ेक्ट देता है दोस्तों ये. दोस्तों आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में कुछ स्टैटिस्टिक्स या कुछ फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट एकदम करेक्ट होने चाहिए. कुछ फिगर्स आप मेंशन कर सकते हैं, कुछ डेटा आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं. बट वो याद रखें स्टैटिस्टिकली फैक्ट्स जो फिगर्स जो है वो सही होने चाहिए. उसके बाद आप सपोज डिस्क्रिप्टिव अगर कॉम्पोजिशन कर रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन बिगिन कर सकते हैं सीन को डिस्क्राइब करते हुए, जो चीज़ आपको बोला गया. जैसे लास्ट ईयर आई थिंक आया था नेबरहुड के बारे में, तो आपको नेबरहुड को डिस्क्राइब करते हुए आप चालू कर सकते हैं अपने ऐसे को. दोस्तों कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें, जैसे आपको ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम करने हैं, मतलब ना के बराबर ही करने हैं, इन सब पे मार्क्स जाती है. आपको किसी भी रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए या उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं लिखना है. ना आप उस किसी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजन को सपोर्ट करते हुए लिखें, ना उसके अगेंस्ट में लिखें. दोस्तों एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऐसे में. अपने ऐसे को पैराग्राफ्स में स्प्लिट करके लिखें, ऐसा ना करें कि पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ में आप सारा ऐसे लिखते रहें. उसके बाद दोस्तों कि आपकी जो पैराग्राफ्स जब आप इसको बना रहे हैं, सपोज़ आप छः या पाँच या छः पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए. यानी ऐसा नहीं है फर्स्ट पैराग्राफ में आपने किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस किया, सेकंड पैराग्राफ में आप किसी और चीज़ में चले गए डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही, बिना किसी कनेक्शन के बिटवीन फर्स्ट चीज़ जो आपने बात की थी और सेकंड चीज़ जो आप बात कर रहे हैं. तो एक कनेक्शन होना चाहिए. अगर फर्स्ट पैराग्राफ में आपने किसी चीज़ की बात की है तो सेकंड पैराग्राफ में उसी चीज़ के कनेक्शन में सेकंड चीज़ के बारे में आप बात करेंगे और फिर सेकंड चीज़ को डिस्क्राइब करते रहेंगे. दोस्तों सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करना सीखें, बट हाँ ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो और आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी सही हो, इस चीज़ का ध्यान रखें. दोस्तों पंचुएशन, जैसे मैंने बताया पंचुएशन और स्पेलिंग जो है बहुत मायने रखता है. प्रॉपर यूज़ करिए पंचुएशन का, स्पेशली कॉमास एंड ऑल जो होते हैं उनका ध्यान रखा करें. नाउ आपको बिल्कुल क्लियर होना होगा कि आप जो टॉपिक लिख रहे हैं वो आपके माइंड में क्लियर है कि नहीं. दोस्तों आप अगर आप किसी कॉम्पोजिशन को लिखते हैं उसको रीड करके समझ में आ जाता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी है, आप खुद क्लियर है कि नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड. तो अगेन दोस्तों आप खुद अपना माइंड पहले बनाएं उस रीडिंग टाइम में या स्टार्टिंग में जब आप थिंक कर रहे हैं आइडियाज़ के बारे में कि हाँ आपको वाकई में इस टॉपिक के बारे में जानकारी है और आप इसे लिखेंगे अच्छे से. दोस्तों कुछ डूज़ एंड डोंट्स आप याद रखें एसे से रिलेटेड या कॉम्पोजिशन से रिलेटेड. सबसे पहले मैं डूज़ को डिस्कस करता हूँ. तो डूज़ में आपको वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जिससे आप फेमिलियर हैं. जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप अनफेमिलियर टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है आइडिया सोचने में भी, और यानी आप उस चीज़ को प्रॉपरली पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे. दोस्तों छः में से आप वो टॉपिक सेलेक्ट कीजिए जो आपको इंटरेस्ट कर रहा है, जो जिसके बारे में आपके पास मैटर अवेलेबल है. दोस्तों ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें आप अपनी ओरिजिनलिटी दिखा सकते हैं. दोस्तों जो थीम या टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी पर लिखें, आप उससे भटके ना. यानी आप टॉपिक कुछ है और स्टार्ट तो करते हैं आप उस टॉपिक को लेकर के, बट एंड तक पहुँचते समझ में आता है कि नहीं टॉपिक जो था, मेन थीम जो था, आप उससे डाइवर्ट कर चुके हैं. याद रखें आप लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं ऑथर्स के, जो ग्रेट ऑथर्स रह चुके हैं उनके कोटेशंस को आप यूज़ करें. इनको यूज़ करके आप अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बेहतरीन बना सकते हैं. याद रखें एक इंट्रोडक्शन जो है वो एक इंटरेस्ट जगाना चाहिए रीडर को जो आपके कॉम्पोजिशन को रीड कर रहा है, और कंक्लूजन जो है उस इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए. मतलब जो आपने क्यूरियोसिटी डेवलप की थी इंट्रोडक्शन में, एटलीस्ट फाइनली वो एंड हो जा करके कंक्लूजन में, तो कनेक्शन इस तरह का बना रहे. दोस्तों आपको प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश लिखना है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के साथ, और पंचुएशन और ग्रामर करेक्ट लिखना है आपको. उसके बाद दोस्तों ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेज आपको यूज़ करना है प्रॉपरली सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए. यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाते हुए प्रॉपर फ्लो, प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए. दोस्तों याद रखिए वोकैबुलरी जितनी बेहतरीन होगी आपकी, उतना आसानी होगा आपको कॉम्पोजिशन लिखने में और आपका थॉट को एक्सप्रेस करने में.
बट याद रखे ओवर यूज़ नहीं करना है आपको वोकेबुलरी का। जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग अपनी सारी इंग्लिश वहाँ पे दिखा देते हैं, सारे वर्ड्स इतने जानते लिख देते हैं, कुछ वर्ड्स उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं एकदम आउट ऑफ द टॉपिक होते हैं, तो आपकी नंबर इसमें चली जाएगी। याद रहे कि आपको किसी चीज़ को ऑफेंस नहीं करना है, कि अपने कॉम्पोजिशन से किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्ट, पर्टिकुलर रिलीजन, किसी को भी ऑफेंड नहीं करना है, एकदम लॉजिकल वे में अपना कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करना है और एकदम ऑफेंसिव नहीं होना है। बिल्कुल ऐसे को रिवाइज करें, आप जैसे लास्ट सेंटेंस लिख लें, आप पूरा ऐसे को फिर से एक बार रीड करने का हैबिट बनाएं। दोस्तों बात आती है डोंट्स की, तो अगेन डोंट्स में आपको ऐसे टॉपिक में नहीं लिखना है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, एकदम मतलब क्लियर फैक्ट्स नहीं हो करके आप ऐसे अपने से कुछ फैक्ट्स नहीं बना दें वहाँ पर। दोस्तों आपको मेमोराइज मटेरियल नहीं लिखना है। याद रहे कि बहुत लोग रट करके जाते हैं ऐसे को, वहाँ पर आप रटा हुआ ऐसे लिखेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाता है कि फर्स्ट हाफ में आपने सपोज रटा हुआ पार्ट लिख दिया, उसके बाद आप डिफरेंट वे में जा रहे हैं, तो राइटिंग स्टाइल में डिफरेंस समझ में आ जाता है कि आपने मेमोराइज मटेरियल लिखा है। दोस्तों ऐसा वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करें जो एम्बिगुअस है, यानी जिसकी मीनिंग आपको खुद ही नहीं पता है, उसकी मीनिंग जो है उस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो नहीं रही है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों आपको लॉन्ग कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस, डेकोरेटिव सेंटेंसेस, ज़्यादा इंग्लिश दिखाते हुए सेंटेंसेस आपको नहीं बनानी है, इसको अवॉइड करें। और आपको रिपीटेटिव नहीं होना है वर्ड्स या सेंटेंसेस को लेकर के। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक ही सेंटेंस को एक पैराग्राफ में, सपोज आपने एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, तो उस पॉइंट को अब एक सेंटेंस में डिस्क्राइब किया, उसी सेंटेंस को तीन चार और वे में डिस्क्राइब करें, तो उस पैराग्राफ में एक ही पॉइंट डिस्कस हो रही है बस तीन चार वेरिएशन ऑफ द सेंटेंस के साथ। तो दोस्तों आपको पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है, एक ही पॉइंट को डिफरेंट वेज ऑफ सेंटेंस में डिस्क्राइब नहीं करना है। तो दोस्तों अब याद रखें कि आपकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो 3C रूल पर बेस्ड हो, यानी क्लियर, कोहेरेंट, कॉम्पैक्ट, यानी आपके थॉट्स को वो क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हैं। एकदम बीटिंग अराउंड द बुश आपको नहीं करना है, जस्ट बिकॉज आपको ऐसे का लेंथ बढ़ाना है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखना है, आप बस एक ही पॉइंट को लेकर के बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं, यानी उसी को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ना याद रखिए आप जो पॉइंट्स लिखे वो एकदम ऑर्गेनाइज हो, कोहेरेंट हो, यानी एकदम कनेक्टेड थॉट्स हो, ऐसा नहीं हो कि एक पैराग्राफ कुछ और बात को डिस्कस कर रहा है, दूसरा पैराग्राफ कुछ और बात को डिस्कस कर रहा है और दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। फाइनली दोस्तों आपका ऐसे जो है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, यानी पैराग्राफ्स होने चाहिए बहुत सारे, बट ऐसा नहीं हो कि एकदम एक पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा आप डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, हर पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ पॉइंट्स ऐसे से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, जो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अब आते हैं डायरेक्टेड राइटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ डाउट्स आपके क्लियर करने में। तो सबसे पहले मैं एक एक करके टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर दूँ। तो दोस्तों न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात की जाए तो आपको जो हेडिंग या टाइटल आपको जो देना है वो प्रेजेंट टेंस में देना है, जैसे अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयज नेपाल या PM विजिट्स कोलकाता, तो आपको इस तरह से प्रेजेंट टेंस में लिखना है। दोस्तों जो बाई लाइन है वो आप राइट में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, यानी बाय अ स्टाफ रिपोर्टर या बाय अ स्टाफ करेस्पॉन्डेंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको प्लेस और डेट लिखना है, जैसे मुंबई कॉमा फ्राइडे 26th February 2018, ऐसा करके आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, डेट जो है वो दोस्तों वो लेफ्ट साइड में ही होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो रिपोर्ट लिखना है थर्ड पर्सन पैसिव वॉइस में लिखना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया प्रीवियस वीडियो में। दोस्तों बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू से रिलेटेड वो थर्ड पर्सन अकाउंट में लिखना है, आप फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखेंगे, और थर्ड पर्सन पैसिव वॉइस में आपको लिखना है, फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखेंगे। दोस्तों अगर आप रियलिटी शो के बारे में रिव्यू लिख रहे हैं या थिएटर रिव्यू लिख रहे हैं तो आपको एम्फोसिस देना होगा कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स, सेटिंग्स, एक्टिंग, डायरेक्शन, मेकअप, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब पे आपको फोकस देना होगा। दोस्तों स्पीच राइटिंग जो है वो आप बिगिन करेंगे टाइटल के बाद ग्रीटिंग से, जैसे मैंने बताया था अ वेरी वार्म वेलकम टू द टीचर्स एंड द स्टाफ मेंबर्स एंड द स्टूडेंट प्रेजेंट है, इस तरह से। और आपको एंड करना है, आप एंड में, लास्ट में बॉडी के एंड में आप थैंक यू लिख करके एंड करेंगे। दोस्तों पर्सनल प्रोफाइल जब आप लिखें तो ऊपर में हेडिंग दे दें, एक टाइटल दे दें, जैसे पर्सनल प्रोफाइल ऑफ, उसके बाद अपना नाम वहाँ पर लिखें। उसके बाद दोस्तों आप सारा लिख दे पर्सनल प्रोफाइल, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अंत में दोस्तों आप अपना नाम लिख सकते हैं। दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जब आप लिखें तो आपको हेडिंग देना होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ऐसे लिखना होगा ऊपर में। उसके बाद दोस्तों आपको नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों डेट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा। उसके बाद जैसा आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है सारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लिखते हैं, उसके बाद आप एंड में अपना नाम लिख देंगे।
दोस्तों इस बार ज़्यादा चांसेस है फिल्म रिव्यू या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आने की, तो आप उसको फोकस करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और दोस्तों बात की जाए प्रपोजल राइटिंग की, तो जो मैंने फॉर्मेट शेयर किया है वो बिल्कुल सही फॉर्मेट है, काउंसिल रिकमेंडेड फॉर्मेट है, तो आप उसी को फॉलो करें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में, और उन्हें सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।